फ्रेंड्स, मैं श्वेता अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूड विद श्वेता में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पके हुए केले की कैसी रेसिपी, जिसको आप सभी बहुत पसंद करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने लिए हैं पके हुए केले। तो फ्रेंड्स, इन केलों को सबसे पहले हम छील कर काट लेंगे। थोड़ा सा इसमें ये खराब पार्ट है, इसको हम अलग से निकाल देंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने सभी केलों को काट लेंगे। तो हमने इस रेसिपी में 3 किलो का यूज़ किया है। और अब इसमें हम लेंगे गुड़, तो 150 ग्राम के लगभग हम इसमें गुड़ डालेंगे फ्रेंड्स। और अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे दूध, जिससे ये हमारा गुड़ और जो केला है अच्छे से मैश हो जाए ग्राइंडर में। तो ग्राइंड करने के बाद हम इसको चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ग्राइंड करने के बाद जो हमारा बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई है। और अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने किशमिश को लिया है और काजू को लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कुछ भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे तिल का तेल। और अब इसमें डालेंगे हम आधा कटोरी दूध, फुल फैट का जो हमने लिया है। और ये हमने लिया है 3 चम्मच हॉर्लिक्स पाउडर। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से हैंड ब्लेंडर से मिला देंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से घोल लिया है फ्रेंड्स। और अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके सूजी डालेंगे, जिसमें हमने सूजी को अच्छे से छान लिया है। हमें थोड़ी थोड़ी सूजी करके ही इसको बैटर में मिलाना है। एकदम से हम ज़्यादा सूजी मिला देंगे तो जो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम से ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी सूजी करके हम इसमें डालते जाएंगे। अब हमारा बैटर थोड़ा पतला है, थोड़ा से और सूजी हम इसके अंदर मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरह से हो गई है। और अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, जिससे जो हमारा केक है बिल्कुल फ्लफी बन जाएगा। इसको भी हम अच्छे से हमारे बैटर में मिला लेंगे। बैटर को हमें एक ही साइड में चलाना है। और अब इस बैटर को हमें 15 मिनट तक ढक देना है। जब तक हमारा बैटर को हमने रखा है, तब तक हम हमारे चूल्हे में आग जला लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम हमारी कढ़ाई को साफ कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, जो कि हमने कई बार बेकिंग में यूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स। और नमक को हम अच्छे से गर्म करेंगे। नमक के अच्छे गर्म होने के बाद ही हम हमारा केक का बर्तन इसके ऊपर रखेंगे। और अब जिस बर्तन में हम केक बनाएंगे उसको हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं फ्रेंड्स। और अब इस बर्तन में हम बटर पेपर बिछाएंगे, इसको भी हम अच्छे से चिकना कर लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे जो हमारा केक है बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। और अब हम हमारे बर्तन के ऊपर से प्लेट हटाएंगे और बैटर को फिर से हम हैंड ब्लेंडर से फैटेंगे। तो हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। और अब इसको हम डालेंगे हमारे केक के बर्तन में।
और अब ऊपर से हम हमारे केक को ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो इसके लिए हमने काजू और बादाम का यूज़ किया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो केक का बैटर है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है बेक के लिए, और हमारा नमक भी अच्छे से गर्म हो गया है फ्रेंड्स। और अब इसमें हम रखेंगे एक स्टैंड, और इसको अच्छे से सेट करने के बाद हमारे जो केक का बर्तन है उसको हम इस स्टैंड के ऊपर रख देंगे। और अब एक बड़ा बर्तन हम हमारी कढ़ाई के ऊपर ढक देते हैं जिससे ये केक हमारा अच्छे से बेक हो जाएगा। चूल्हे में हम आग को तेज कर देंगे फ्रेंड्स। और अब हम हमारे केक को चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स कि ये अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तो हम एक चाकू की हेल्प से इसको चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो साइड में से ये जो केक है बिल्कुल अच्छे से पक गया, क्योंकि हमारा जो चाकू बिल्कुल साफ निकल के आया है। लेकिन हम बीच में से चेक कर रहे हैं तो अभी ये अच्छे से बीच में से पका नहीं है, तो हम इसको फिर से ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स अंधेरा हो गया है और हम हमारे केक को दोबारा से चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा चाकू बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब जो हमारा केक है वो अच्छे से बेक हो गया है। और अब इसको हम साइड में से चाकू से हटाते हुए हमारे केक को बर्तन से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल अच्छे से निकल गया है, और जो बटर पेपर चिपका हुआ है इसको हम हटा देंगे फ्रेंड्स, और केक को हम सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा केक एकदम से बढ़िया रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।